राहुल गांधी का एक बयान इन दिनों सुर्खियों में है। बीकानेर में राहुल गांधी ने बड़ा बयान देते हुए ये कहा कि कांग्रेस एक झटके में गरीबी मिटा देगी। और राहुल गांधी के इस बयान को बीजेपी ने आड़े हाथों लिया है और साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस को झूठी पार्टी बताया है। देखिए रिपोर्ट में पूरी खबर। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। राजस्थान के बीकानेर में कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि वो देश से एक झटके में गरीबी हटा देंगे। राहुल देश से कैसे गरीबी हटाएंगे, खुद उनकी जुबानी ही सुनिए। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1,00,000 रुपया 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। मजे की बात सुनिए, और उस दिन तक डालेगी जिस दिन तक आप गरीबी रेखा से निकल जाओगे। बीजेपी राहुल गांधी के गरीबी हटाने वाले बयान को ठीक वैसे ही देख रही है जैसे पहले राहुल गांधी ने आलू से सोना निकालने को लेकर बयान दिया था। बीकानेर में ही चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी नेता और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसे लेकर निशाना साधा और इसे झूठ का पुलिंदा बता डाला। झूठे वादे करके 60 साल कांग्रेस ने देश में शासन किया है, अब झूठे वादों का युग चला गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो वादा करते हैं उसको निभाते हैं, और कांग्रेस जो वादा करती है वो भूल जाती है सत्ता में आने के बाद। राहुल गांधी की ये चुनावी गारंटी है या फिर वोट पाने का तरीका, लेकिन राहुल के इस बयान से सियासी गलियारों में सवाल जरूर उठ रहे हैं कि ऐसी कौन सी तरकीब है जिससे राहुल एक झटके में देश की गरीबी खत्म कर देंगे।